बदतमीज दिल जो है वो एक क्यूट लव स्टोरी है, एक ऐसी लव स्टोरी जो आपको मेरे हिसाब से हर हफ्ते सरप्राइज करने वाली है। जब एक हफ्ते पहले हफ्ते आप एक ओपिनियन फॉर्म करेंगे कि शायद ये शो की कहानी होने वाली है और इस तरीके से शो के पात्र जो हैं बिहेव करेंगे, तो अगले हफ्ते शो जो है थोड़ी सी बदतमीजी करेगा ऑडियंस के साथ और अचानक कहानी का जो सुर है वो बदल जाएगा। सो आई थिंक ओवरऑल शो इज़ फुल ऑफ सरप्राइज एंड इट्स अ लव स्टोरी विच प्रॉब्ली हैज़ लॉट्स ऑफ फ्रेशनेस इन इट। जिस तरीके से हम कहानी को सुनाने का प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, मेरे हिसाब से पहली बार टेलीविज़न में एक ऐसा शो होगा जिसमें जितने भी गाने हैं, तो पहली बार डेली सोप्स में गाने होते नहीं हैं। हमारे यहाँ पहले हफ्ते के अंदर ही आपको तकरीबन 5 गाने मिलेंगे और ये शोज के अंदर कभी ओरिजिनल सॉन्ग्स नहीं होते हैं। तो वी आर रिकॉर्डिंग क्लोज टू 15 गाने हैं जो 6 महीने के अंदर आएंगे। सो इट्स अ म्यूजिकल लव स्टोरी जो आई थिंक अपने आप में एक ये पहला अटेम्प्ट है। और लव स्टोरीज बहुत बनती हैं, और जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि एक लव स्टोरी कहना, जल्दी हम लोग क्या फिल्मों के गाने लेते हैं, सिचुएशन वैसी होती है मगर गाने जो है फिल्म के आ रहे होते हैं और फ्रेशनेस नहीं होती है म्यूज़िक के अंदर। तो इस बार हमारा एफर्ट ये रहा है कि कुछ नए म्यूज़िक डायरेक्टर्स को लेकर के आएँ, कुछ नया टैलेंट लें, कुछ एक मिक्सचर लेकर के चलें। से दर्शन ने गाने गाएँ, दर्शन इज़ अ रॉक स्टार सिंगर। सो ओवरऑल जो है ना, एक ऐसी लव स्टोरी प्रेजेंट करना जो वाकई फ्रेश हो, यंग हो और एक ट्रू सेंस में म्यूजिकल हो। सो दैट्स इट आई थिंक। बदतमीज दिल, दिल का ताल्लुक हमेशा मोहब्बत से होता है। मोहब्बत में इतनी ताकत होती है कि वो किसी के सामने झुकता नहीं। इसलिए दिमाग के लिए दिल हमेशा बदतमीज होगा। इसलिए बदतमीज दिल ये कहानी प्यार के बारे में है, मोहब्बत के बारे में है, चाहत के बारे में। हर किसी की चाहत कुछ और होती है। एक बेटे की चाहत कुछ और होती है, बाप की चाहत कुछ और होती है। हालांकि ये एक ग्रेस किस्म का कैरेक्टर है, कुबेर का, कुबेर अबीर का फादर है, मगर मुझे खुशी इस बात की ये है कि सौरभ भाई ने जब वो किरदार मुझे नरेट किया तो मुझे सुनते वक्त आई कुड आइडेंटिफाई विद दैट कैरेक्टर। आई न्यू दैट कैरेक्टर, आई न्यू हाउ ही थॉट, आई न्यू हाउ ही बिहेव, आई न्यू व्हाट ही वुड थिंक, हाउ ही व्हाट ही वुड से। जब आपकी आइडेंटिफाइबिलिटी इतनी स्ट्रांग हो जाती है, बिकम्स 10 times मोर इजी टू प्ले दैट कैरेक्टर। यू डोंट हैव टू थिंक वेरी हार्ड व्हाट यू शुड डू, व्हाट यू शुड बिहेव। सौरभ मेड दैट वेरी इजी। द अदर पार्ट इज द स्टार कास्ट इज लवली। आई हैड अ ग्रेट टाइम शूटिंग विद देम। आई शॉट वन सीन विद हर, वन टू सीन विद माय सन। I'm looking forward to this and I'm sure what we have to present now will be part of the future television. Oh, I think for your last appearance on Staff Last was interesting, yes, yes. Mr. Goenka and now this. So how you will differentiate between the two characters and what's new this time? Like I said, there are 4-5 characters with it, baap ka, ek maa ka, ek bahan ka, ek beti ka, ek beta ka. उसको आप किस तरह से कलर देते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि हालांकि द कैरेक्टर ग्रे, इट इज़ नॉट नेगेटिव, कम्प्लीटली नेगेटिव। इट इज़ जस्ट समन हु इज वेरी एम्बिशियस एज अ पर्सन, बिकॉज इज सेल्फ मेड मैन। ही इज़ वेरी एम्बिशियस फॉर हिज सन। हाउ टू प्ले दैट विल मेक इट मोर रियल, हाउ टू मेक इट दैट विल बी मोर आइडेंटिफाइबल। दिस टाइम आई थिंक द ब्रीफ दैट आई गॉट इज दैट आई शुड, it should be that yes, he is right, he has a point of view. It could be that a father could want this for his son, and to play that in a manner that can also make you upset and also make you identify will be a challenge for me. So let's see how it goes, how it comes out. No. I think love triangle to Google to tell me. He's like a buddy always. Should we say college? Character is very he's always there for his friends. Yeah. Best of friends, dono ka. So I'm always balancing. Kabhi abir, kabhi main, kabhi abir, kabhi main. And obviously promo mein ka love to dikhi gaya hai. Hate bhi dikhi hai, kisi dikhi hai. So obviously story mein pata laga kitna love, kitna hate kaise dikhaya gaya baat ka. My character is always balancing between both of them. मैं काफ़ी कुछ कहना चाहूँ
एक्चुअली पर काफ़ी कुछ मैं बता नहीं सकता, उसके लिए आपको शो देखना पड़ेगा। अभी रॉकस्टार है, अभी बदतमीज दिल काफ़ी कनेक्ट करता है, अभी थोड़ा बदतमीज भी है। उसके बदतमीज होने के पीछे काफ़ी सारे रीजन थे, काफ़ी सारे बैगेजेस हैं उसके साथ, वो आपको शो में ही पता लगेंगे। एंड हाँ, जब सौरभ सर ने मुझे नरेट किया एज ही इज़ अ वेरी गुड नरेटर, आपने उन्हें दो शब्दों के लिए कहा था, उन्होंने आप देखा आपने प्यार से सारी मैं इनको काफ़ी जितनी बार भी सुनता हूँ उतनी बार मैं कुछ और नया अपने कैरेक्टर में देख लेता हूँ। फर्स्ट आई एम लर्निंग फ्रॉम एवरी वन। मैंने आयुष जी से जितने भी सीन उनके साथ किए हैं मैंने उनको बताया भी काफ़ी बार, जब वो ऐसे घूम के ऐसे लुक देते हैं फुल, तो एक लुक एक जेस्चर मैं सब कुछ सीख रहा हूँ, इज द लर्निंग फील्ड। एंड यार शो के बारे में आपको बड़ा सारा मन कर रहा है बताने का। आई कनेक्ट विद अबीर वेरी वेल बिकॉज ही सो मच इंडियन म्यूजिक। मैं सॉन्ग कंपोज भी करता हूँ, गाता भी हूँ, एंड म्यूज़िक मेरी भी ज़िंदगी है जैसे अबीर की ज़िंदगी है। सिंस पास्ट जब से मैंने पोस्ट संभाला लाइक 10-15 ईयर्स मैं म्यूज़िक के बिना रह नहीं सकता और अभी भी म्यूज़िक के बिना रह नहीं सकता। सो दिस इज़ समथिंग टेलर्ड फॉर मी। मुझे ऐसा लगता है कि ये ऐसा कुछ है जो मुझे मैं चाहता था हमेशा से करना और मुझे मिल गया। थैंक यू। अभी तक तो नहीं, पर डेफिनेटली आएगी। होता क्या कि हर शो की हर कहानी की एक अपनी डिमांड होती है, ज़रूरत होती है, और जब भी कोई भी आप कहानी लिखते हो, एक शो की रचना करना शुरू करते हो, तो दिमाग में कुछ कैरेक्टर्स होते हैं, कुछ शक्लें होती हैं कि दैट इस पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए हमको ये इस टाइप का की एक शक्ल चाहिए, कैसा आर्टिस्ट चाहिए। जब मधुबाला और रंगसिया कर रहे थे तो उन दोनों कैरेक्टर्स के लिए कुछ ऐसे चेहरे चाहिए थे जिन्होंने पहले शोज़ किए हों, और उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे चाहे आशीष हो, विवेन हो, दृष्टि हो, स्नेहा हो, वो लोग उन कैरेक्टर्स में ज़्यादा सूट कर रहे थे। इस बार जब हमने इस कहानी को लिखना शुरू किया तो कहीं ना दिमाग में एक वो बैलेंस वाली चीज़ थी दैट कुछ कैरेक्टर्स ऐसे हों जहाँ पर वेटरन सीजन एक्टर्स हों, आर्टिस्ट हों, जो उन कैरेक्टर्स को निभा सकें, जो मतलब उनका भार जो है संभाल सकें। दैट्स वाई आयुष जी केम इन टू पिक्चर। मगर जहाँ हमने लव स्टोरी का पार्ट करना शुरू किया सो देन वी डिसाइडेड कि कुछ ऐसे चेहरे लिए जाएं जो रिलेटिवली टेलीविजन पे ओवर एक्सपोज ना हों, जिन्होंने इसके पहले जो है शोज ना किए हों, और उसके पीछे उस इस डिसीजन को लेने के पीछे जो एक कॉन्शियस एक जो मतलब जो एक जो कारण था, एक जो ठोस सोच थी, वो सोच यही थी कि कहानी में फ्रेशनेस कैसे क्रिएट करी जाए। अगर देखिए, अगर हम गाने ऐसे लें जो आप इसके पहले 50 फिल्मों में सुन चुके हैं, हर दूसरे दिन किसी शो में सुन रहे होंगे या कहीं देख रहे होंगे, हम चेहरे ऐसे ले लें जो आज से 15 दिन पहले आप किसी रियलिटी शो में देख रहे हो या 3 महीने पहले किसी शो में देख चुके, सो इस शो में फ्रेशनेस कहाँ से क्रिएट होगी। तो होल आइडिया वॉज वी वॉन्टेड टू गो हेड विद न्यू फेसेस, वी आर ट्राइंग टू टेल अ स्टोरी हमारी कहानी के अंदर। तो हमारी कहानी जो है वो इन तीनों के जो पात्र हैं एंड इंक्लूडिंग आयुष जी का जो कैरेक्टर है उसको उसी तकरीबन 15 साल की जर्नी को कवर करती है। सो अगर हम 15 साल की जर्नी को आधे घंटे में रोज़ दिखा रहे हैं तो कुछ सीन्स 2004 के होंगे, कुछ सीन्स 2015 के होंगे। सो हो क्या रहा है कि कई ऐसी चीज़ें हम पहली बार शो में अटेम्प्ट करने की कोशिश कर रहे हैं ना, जहाँ पर आपका एक फ्लैशबैक की कहानी चल रही है, एक प्रेजेंट की कहानी चल रही है, प्रेजेंट की कहानी से आप अचानक फ्लैशबैक में चले जाते हैं कि कैसे ये लोग साथ में आए थे। अब अगर मैं उसमें कुछ ऐसे चेहरे लेकर के चलूँगा जिनको आपने पहले देखा होगा या मैंने काम किया है या जो लोग कर चुके हैं उसके अंदर, तो कहीं ना जो कहानी सुनाने का जो उद्देश्य है, जो पर्पस है ना, वो डिफीट हो जाता है। सो वही मेरे कहने का मतलब है कि हर स्टोरी जो होती है, हर कॉन्सेप्ट जो होता है ना, उसकी अपनी एक इंडिविजुअल डिमांड होती है। सो जब कुबेर का कैरेक्टर ये बोलता है कि मुझे इस चीज़ से खुशी नहीं मिल रही है कि मेरा लड़का ये काम करे जा करके, कि मेरा लड़का पढ़ाई लिखाई छोड़ करके ना 24 घंटे गिटार उठा करके भाड़ मिरासियों की तरह यहाँ वहाँ घूमता रहता है, तब आपको एक ऐसे चेहरे की, एक ऐसे किरदार की ज़रूरत होती है जो अगर उस बात को बोले ना तो बोलने में वजन होना चाहिए। दैट इज़ वाई समवन लाइक हिम कम्स ऑन बोर्ड। बट इफ़ आई टेक समवन हु इज़ ऑलरेडी अ ह्यूज स्टार, हु कैरीज अ लॉट्स ऑफ पॉजिटिव बैगेज बिहाइंड इट, एंड देन आई से कि दैट अच्छा ये शो के अंदर ना ये जो है यहाँ से यहाँ जा रहा है, सो वो अनरिलेटेबल लगेगा। सो दैट इज़ द क्लियर रीजन वाई वेंट हेड विद द फ्रेश फेस।
Me too.